48 घंटे हो चुके हैं इस ट्रेन में। इस टाइम के करीब ही हमारी गाड़ी परसों निकली थी फिरोजपुर से। अब मतलब थोड़ा बहुत ना थकावट सी महसूस होने लगी है, फिर वहाँ से फिर मुड़ के ऊपर जाएंगे। वहाँ से गाड़ी ऊपर पे चढ़ रही है। तो अभी हमें इस लेवल पे कुछ टाइम बाद वो ब्रिज दिख रहा है आपका, आपको उस लेवल पे भी आएंगे। वही वाला ट्रैक था जहाँ से अभी हम लोग आए थे। भाई कुछ भी कहो, यहाँ अगर मैं रोज़ रोज़ भी आता रहूँगा तब भी मन नहीं भरेगा मेरा। जिस हिसाब से व्यू आ रहा है ना, मन करता बस यहीं बस जाए। सुबह के बज रहे 7:15, गाड़ी लगी हुई है अजारा रेलवे स्टेशन पे। तो एक्सपेक्ट करके सोचा था कि ये ट्रेन लेट पहुँच हो जाएगी और जो हैफलोंग वाला सेक्शन है वो रात में निकल जाएगा, लेकिन अभी गाड़ी बिल्कुल ऑन टाइम है। आगे डिले ना हुई ना तो बहुत ही अच्छा सीन मतलब देखने को मिलेगा। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, यही है इस त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस का पार्ट 3। तो एंड तक बने रहना, व्यू बहुत ही कमाल का आएगा। पहले पार्ट में कवर किया था पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तो कवर नहीं किया था, यूपी। सेकंड पार्ट में यूपी, बिहार। थर्ड पार्ट में अब वेस्ट बंगाल तो चलो निकल ही गया लगभग हमारा रात में ही, आसाम और त्रिपुरा होगा। वैसे उस साइड पर तो गुड्स ट्रेन खड़ी हुई है, तो सोचा क्यों ना फुट ओवर ब्रिज से आपको क्रॉसिंग दिखाते हैं। यहाँ डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन के साथ हमारी क्रॉसिंग हो रही है। भाई वो तो गई, हम लोग अभी पैदल चल रहे हैं। ये जो पानी वाले आप तालाब देख रहे हो ना, ये टूरिस्ट स्पॉट है एक तरह के, त्रिपोर बिल कहते हैं लोकल प्रोनाउंसिएशन में, असम में। ये बहुत ही अच्छा, यहीं पे नहीं पीछे वाली साइड भी है, वहाँ पे थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे तो इतना नहीं है। तो सुना है काफ़ी लोग यहाँ पे पिकनिक स्पॉट करने आते हैं, और जगह भी ऐसी है यार, वहाँ देखोगे तो वहाँ पे बोट्स चल रही हैं पानी के बीच में, एक आधी बोट है, बढ़िया लग रहा है देखने में भी ना। यहाँ पे देखोगे तो छोटी छोटी किश्तियाँ लगी हुई हैं जाने के लिए वहाँ पे, बढ़िया है यार, जो भी लोगों ने तो घर बनाए हुए हैं इनके बीच में। यहाँ पे रिवर डीप पोर्ट बेल भी आ चुका है। यहाँ पे तो पानी अब और बढ़ चुका है, ये बढ़िया यार, पूरा लेक जैसा लग रहा है। जैसे भोपाल में मैं एक बार गया था, लेक सिटी थी, ये भी लेक जैसा ही लग रहा है पूरा। यहाँ इस कर से ना पूरा डिपॉर्ट बिल देखना कैसा, बड़ा अच्छा लगेगा यार। ये तीसरा ब्रिज है, यहाँ से क्या व्यू दिख रहा है।
भाई आप तो पता नहीं देख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, एक तो ब्रिज हमने वो वाला क्रॉस किया था वहाँ साइड से, एक ब्रिज आपको दिख रहा होगा डिपोर बिल वाला, और अभी हम लोग टोटल हम लोग उस साइड से घूम कर आए हैं, पूरा वहाँ से हम लोग वहाँ से ऐसे घूम के इस किनारे किनारे डिपोर बिल के फिर यहाँ से ऐसे आए हैं। चलो अब गुवाहाटी के करीब आई है, यह आया है कामाख्या जंक्शन। अभी ये एक लाइन आई है रतिया होते हुए न्यू बोंगाई से ही आई है, हम लोग बेसिकली गोलपारा टाउन वाली लाइन से आई है, जो हमारा रूट लंबा पड़ा है। जिन लोगों को उतरना था वो तो उतर गए, वैसे ये प्लेटफॉर्म पे नहीं रुकी है क्योंकि भाई इस साइड तो प्लेटफॉर्म है ही नहीं और ना ही उस साइड है, बस गाड़ी खड़ी है सेंटर लाइन पे हमारी रोकी हुई है। गुवाहाटी आधा घंटा के करीब डिले पहुंची है यार, काफ़ी लोग यहाँ से भी चढ़ रहे हैं यार इसमें, यहाँ से टीटी और ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट सब चेंज होने वाले हैं। यहाँ से हम मसाला डोसा ले लिया मैंने आयर सुनिश्चित का ही ब्रेन फूड एंड प्राइवेट लिमिटेड से, 80 रुपीज़ का मसाला डोसा पड़ा है, लेकिन ये है कि गर्म है। आसाम में आया है, मैं तो सेकेंड टाइम आया हूँ, इसी में आया था पहली बार पिछली बार भाई, मतलब गुवाहाटी का तो ये, यहाँ से आप शिलोंग जा सकते हो, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें करने को, फैंसी बाजार यहाँ का देखने लायक है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ यार, मैं तो इतनी जर्नी करता हूँ कभी मैं शहर घूमता नहीं हूँ, कभी टाइम निकाल के शहर भी घूम लेना चाहिए, जैसे ये गुवाहाटी अभी आए। यहाँ पे अभी परसों वापसी भी आना हमारा, एक दो दिन का स्टे भी है गुवाहाटी में, तो वहीं पे घूमेंगे। 8:30 आई थी, 54 पे डिपार्चर ले रही है, काफ़ी टाइम रुकी रही थी यहाँ पे। गुवाहाटी से तो निकल ही चुकी थी, हमने डोसा वगैरह अभी डाल के देखा, सांभर तो मैंने मतलब सांभर ही डाला, अभी तो एक ही खोला क्योंकि दोनों का हमारा एक ही, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा दे दिया था। मैं एक चीज़ से हैरान हूँ, अभी पापा तो चलो खा रहे हैं, इन लोगों ने बोला था मसाला डोसा है, लेकिन बाद में आके देखा मेंदू वड़ा और इडली भी है, ये भी चीज़ है, तभी बोलूँ 80 रुपये रेट कैसे हो सकता है, जो भी है सही है। वैसे सांभर तो भैया एक ही खोला, अभी दूसरा कोकोनट चटनी भी मिली थी, लेकिन मैं बोल खाता नहीं हूँ, मैं कम ही खाता हूँ, चलो इसी से काम चला लूँगा आज। यहाँ रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका देखो कितना पीसफुल सा इलाका है, मतलब पार्क बनाया अच्छा था, आई थिंक रेलवे पार्क ही है, रेलवे कॉलोनी का ही एरिया मुझे लगता है। 2382 किलोमीटर कवर किया है अब तक हम, लेकर जागी रोड असम आए, पूरे रेलवे स्टेशन पे बस एक लौता यही एक स्टॉल है और कुछ है ही नहीं यहाँ पे।
स्टेशन को रहा है JID, बस दो ही प्लेटफॉर्म का ये छोटा सा रेलवे स्टेशन है। मोरेगांव डिस्ट्रिक्ट में आता है, असम के ही। बेसिकली चारों तरफ से ना पहाड़ों से घिरा हुआ। अभी भी मैं रूट जो देख रहा था, गुवाहाटी के बाद पहाड़ वगैरह काफ़ी शुरू हो जाते हैं, असली तो लामडिंग के बाद शुरू हो गए। यहाँ की पूपीटोरा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत फेमस है, और एक कांचा सिला मोरेगांव का एक हिल स्टेशन टाइप है, क्योंकि यह रीजन ही ऐसा है ना पहाड़ों वाला। अभी हो जाए ही पहुँची है, एक घंटे तो डिले है ही है इसका। यार बाहर ना मेरे से निकला नहीं जा रहा है, तो गर्मी अब ना एकदम से बहुत ज़्यादा लग रही है, अंदर बहुत ज़्यादा चिल्ड कर रहा है ना। तो अभी भी मेरे हिसाब से 35 डिग्री सेल्सियस तो अभी से हो रहा है। ओजई को राइस बॉल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये नागांव की डिस्ट्रिक्ट से ही, बेसिकली ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना पहले नहीं था, 15 अगस्त 2015 को ही ये फॉर्म हुआ है ओजई यहाँ, और ये नागांव से ही अलग होगा हुआ था उस टाइम पे। नागांव तो उस साइड में है, यहाँ से वैसे काजीरंगा नेशनल पार्क का सुना है वो नागांव से नज़दीक पड़ेगा, यहाँ से 90 किलोमीटर के करीब है ओजई से। चलो ओजई से तो अब निकल गई है, अंदर ही चलता हूँ यार, बहुत गर्मी बाहर। यहाँ पे अगर आप ट्रैक को आगे की ओर देखोगे ना तो थोड़ा ग्रेडियंट है, पहले नीचे को जा रही है फिर बाहर ऊपर हो गई, यहाँ सेक्शन ही कुछ ऐसा ही होगा। जी पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था कि ये जो हमारे कोच का वॉशरूम था वो उसके ऊपर से छत गिर गई थी, अब एंड में आपने देखा होगा। तो अभी जो मैंने हालत देखी है Day 3 की, अभी बस इन लोगों ने कुछ ज़्यादा तो नहीं किया जुगाड़, बस जो नीचे फंसा हुआ था उसको उठा के यहाँ रख दिया। ऊपर का तो भैया वैसे ही है, वैसे रात में कुछ आवाज़ें आ रही थी जैसे कुछ रिपेयर कर रहे हों, लेकिन रिपेयर कुछ नहीं किया, बस साइड में रख दिया अभी उसको। चलो जो भी है, काम चलाने लायक तो कर दिया, नहीं तो वो वाला वॉशरूम तो रात में भी नहीं यूज़ कर सकते, इसको रात को तो यूज़ कर सकते हो आप लोग। तो भाई 1 घंटा 40 मिनट डिले से अब पहुँचे हम लोग लामडिंग जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। चलो अब काफ़ी टाइम है यहाँ पे खड़ी रहेगी ट्रेन। मैंने पीछे ना एक डोसा ताला बनता हुआ देखा था फ्रेश, मैं अभी उसी लालच में पीछे जा रहा हूँ। मैं भैया इस टॉल की बात कर रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ सारा, अगर आप प्राइस भरना चाहो तो लिखा मसाला डोसा 15 रुपये। अब ये 15 का मिलता भी है कि नहीं मिलता ये देखने वाली बात होगी। वह भी डोसा ही खाया था, अभी भी डोसा ही पैक करवा रहा हूँ यार, नॉर्थ ईस्ट में साउथ इंडियन खाना। यहाँ पे देखो कैसे पैक किया जाता है मसाला डोसा, 30 का एक पीस वैसे पड़ता है, वहाँ पे बनाते हैं और ताज़ा ताज़ा ही पैक हो जाता है। तो आपको रोटी सब्जी भी मिल जाएगी, और आगे एक IRCTC का फूड ट्रैक भी है, मतलब खाना पीना अच्छा हो जाएगा आपका। लामडिंग वैसे 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की एक डिवीज़न भी है, और जो हम जहाँ जा रहे हैं ना खोंगसर में गया था आपने देखा था, अगरतला सिलचर सब इसी डिवीज़न के अंडर में आते हैं। अब यहाँ से आगे जो रूट शुरू होगा ना भाई मज़ा ही आ जाएगा। अब उसके बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस ट्रेन में उस रूट को कवर करूँगा, क्योंकि मेरे को उम्मीद थी यार लेट होगी, मैं कल से यही कह रहा यार लेट होगी होगी, मैं अब हैरान हुई लेट हुई नहीं ज़्यादा, मतलब 1.5 घंटा लेट है, ज़्यादा 1.5 या 1.75 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब अब दिन में भी वो सेक्शन में देख सकता हूँ। लामडिंग बेसिकली एक जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से पीछे मरानी जंक्शन से होते हुए डिब्रूगढ़ साइड चली जाती है एक लाइन, और यहाँ से जहाँ से हम आए हैं गुवाहाटी साइड तो एक है ही है, और एक यहाँ से क्या है कि एक बाईपास लाइन है हमारी वाली, तो चलो लेफ्ट साइड यहाँ से होगी अगरतला साइड बेसिकली न्यू हैफलोंग होते हुए, और एक यहाँ से एक आगे से भी बाईपास लाइन आ रही है। बेसिकली क्या है कि जो गुवाहाटी से बदरपुर एक टूरिस्ट ट्रेन जाती है, और कई जो ट्रेन जाती है ना वो यहाँ आती नहीं है, यहाँ से रिवर्सल लेने की उनको जरूरत नहीं पड़ती, पहले ही बाईपास लाइन से हैफलोंग वाली साइड की ओर चली जाती है। लेकिन हमारी ट्रेन का रूट काफ़ी लंबा चौड़ा है भाई, मैंने बताया पहले भी गोलपारा टाउन होकर के इसको लाया गया, वैसे भी स्टॉप तो इसका था ही नहीं वहाँ कहीं भी, तो ये थोड़ा चक्कर है, लूम हो सकता है इसको लामडिंग की कनेक्टिंग देने के लिए इसका स्टॉप यहाँ पर दिया, क्योंकि काफ़ी यात्री हमारे कोच में भी उतरे इसमें से। बाकी भाई जो आप पीछे को अभी इन लोगों ने पहले लगा था WDP, अब इन लोगों ने WDG लगा दिया 4G वाला। पिछली बार जब मैं आया था तब इलेक्ट्रिफिकेशन भी ना इसका जैसे पोल्स ना वो लग रहे थे उस टाइम पे, अब लगभग लग के रेडी हो चुका है, बस पावर
लगभग तो मतलब प्रोसीजर रेडी है इलेक्ट्रिफिकेशन, बस पावर हाउस से सप्लाई मिलने की देर है। चलो बाकी ये अपने जो डोसा लिया था अभी उसका सांभर निकाला है। क्या निकला? इडली। इडली और मेंदू वड़ा, वही जो सुबह सुबह मिला था। बस ये फ़र्क ये है कि ये मेरे सामने बन के तैयार हुआ है डोसा। इन लोगों ने चटनी अलग से नहीं दी, यहीं पे बीच में ना थोड़ी बहुत चटनी ऐसे ही डाल दी सूखी करके। वैसे जो भी है मेरे को तो सही लग रहा है, अभी खाया नहीं है, लेकिन 30 रुपये में बुरा नहीं है यार ये तो। भाई अभी बिरयानी खानी शुरू की थी, वैसे खाने में मतलब ठीक है, अकेले नहीं खा पाओगे, जो सब्ज़ी मिली ना उसके साथ ज़्यादा करारी, थोड़ा तीखापन ज़्यादा लगता है। बाकी ये लगभग ये 50 मिनट रुकने के बाद अभी निकली है लामडिंग से, बहुत टाइम रुकी दे रही है। अभी लैंगटोंग पे खड़ी है, लैंगटिंग पे 2 बजने वाले हैं। हम लोगों को 48 घंटे हो चुके हैं इस ट्रेन में ट्रैवल करते हुए। परसों इस टाइम मतलब अभी 48 घंटे से ऊपर ही हो गया है, इस टाइम के करीब ही हमारी गाड़ी परसों निकली थी फिरोजपुर से। अब मतलब थोड़ा बहुत ना थकावट सी महसूस होने लगी है, मैं बैठा था अभी मेरे को झपकियाँ आ रही थी नींद जैसी। चलो धीरे धीरे करके बड़ी जर्नी करूँगा। मैं तो अभी सोच रहा था कि जो रास्ते में सुबह क्रॉस हुई थी ना विवेक एक्सप्रेस, मैं तो उसकी जर्नी करने की सोच रहा था डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। चलो अगर फ्यूचर में, इन फ्यूचर अगर आपका साथ बन रहा था तो ज़रूर करूँगा। और यहाँ पे क्रॉसिंग है भाई सिलचर गुवाहाटी के साथ ही। गुवाहाटी पैसेंजर है बेसिकली, एक बदरपुर से लेकर लामडिंग तक पैसेंजर बन जाती है, बाकी रास्ते एक्सप्रेस है। चलो अब इसके आने के बाद हमारी भी चल पड़ी है। अभी ना जो रूट अभी आएगा ना, पहले ही एडवाइस दे दूँ, अगर अच्छे नेटवर्क पर देख रहे ना क्वालिटी फुल कर लो 1080p, मज़ा बहुत आएगा। अब जो रूट भाई मज़ा बहुत आने वाला है यार। ये देखो भाई ऊपर को ग्रेडियंट चढ़ रही है गाड़ी पूरा, अभी आगे तो और भी चढ़ेगी। यहाँ एंटर कर रहे हैं हम लोग पहली टनल इस सेक्शन की। ये रूट ऐसे घने जंगलों से पूरा घिरा हुआ है, नीचे जो तालाब आ रहा है क्या बात है। भाई ये वाला व्यू जो आ रहा है ना, अब असली व्यू तो अब आना शुरू हुआ भाई। क्या कर्व ले रही है गाड़ी अब यहाँ से। और एक वहाँ का व्यू चेक कर लो भाई, मज़ा ही आ गया। भाई माई बाग का रेलवे स्टेशन है, यहाँ से जो सामने का व्यू देख रहे होगे ना बहुत से, वो बहुत ही कमाल है।
देखो भाई पूरा 90 डिग्री कर भाई पूरा और ऊपर का व्यू तो भाई बहुत ही कमाल का। हम लोग भाई उस साइड से आ रहे हैं, वहां से ऐसे ऐसे किनारे किनारे इसके चलते आ रहे हैं भाई। अभी देख लो, अभी हमें इस लेवल पे कुछ टाइम बाद वो ब्रिज दिख रहा है आपका, आपको उस लेवल पे भी आएंगे और उसके बाद फिर ऊपर ऊपर ही चढ़ते जाएंगे। ऐसे फिर वहां से फिर मुड़ के ऊपर जाएंगे। वहां से गाड़ी ऊपर पे चढ़ रही है। क्या सीन है भाई। भाई एक स्टेप कंप्लीट हो गया, हम लोग वहाँ से आए थे, मैंने आपको दिखाया भी था वो ट्रैक जा रहा है उस साइड से। यहाँ से कौर से देखोगे अगर आप, उसी ट्रैक से हम लोग गए थे। देखो भाई क्या मज़ा आ रहा है यार, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, ऊपर बढ़ रहे हैं तो हवा ठंडी होती जा रही है। अब हम लोग उसी ब्रिज पे हैं, ये देख लो, उस ट्रैक से आए थे ऐसे कर्व लेकर के लंबा वाला, वो वाला ट्रैक देख रहा होगा, और उससे भी नीचे एक और ट्रैक है वो वाला, थोड़ा गौर से देखना तभी दिखेगा वो, जहाँ पे पोल लगे हुए हैं। पहले वहाँ पे गए, फिर यू टर्न लेके यहाँ आए, अब फाइनली ऊपर आ गए हैं। ये भाई बहुत ही ब्यूटीफुल सा कर रहा है यार, लग रही है ट्रेन यहाँ पे। ये हम लोग सबसे टॉप से कर्व ले रहे हैं, सबसे लंबा कर्व, नीचे का व्यू बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। क्या सीन आ रहा है यार, देखा जाए तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मतलब जितनी भी मैंने ऐसी जर्नीस करता हूँ ना, जो सीनिक ब्यूटी होता है जहाँ पे, मैं गेट से हटता नहीं हूँ अभी भी, मतलब जब से लामडिंग से निकली है मुश्किल से 15 या 20 मिनट में अंदर बैठा हूँ, बाहर ही हूँ उसके बाद, मैं गेट से निकलीला नहीं हूँ मतलब। सो भाई अभी 3:30 हो रहे हैं, माहूर पे आई है और यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है ट्रेन के साथ। अगरतला कोलकाता स्पेशल, अच्छा ये भाई अगरतला कोलकाता स्पेशल, इसके पूरे
यार यहाँ का भी एक नंबर आ रहा है। मतलब कई बार वो फील आती है ना कि गाड़ियाँ रुक ही रहे, बस चले ना यहाँ से। वो लिखा है बोर्ड पे। ये देख लो वाइट कलर का पेंट्री कोच देखा, स्टिकर उतार दिया गया। हाँ देखे भाई व्हाइट कलर का पेंट्री कोई देखा कभी? दे भी सकता है। लो भाई महर पे ही अभी खड़े थे, वो वाली तो निकल गई अगरतला कोलकाता स्पेशल, अभी ये आई है सिलचर कोलकाता। कंचनजंगा एक्सप्रेस। बस हाफलॉन्ग आने में ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है। यहाँ पे पहाड़ों से पानी जाता हुआ बहुत अच्छा लग रहा है, नीचे वाला जो आ रहा है और वो जो ब्रिज दिख रहा होगा ना आपको, वहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे। आगे का व्यू चेक करना जरा, क्या ब्यूटी है। नीचे का जो पानी का व्यू है बहुत कमाल का यार। बज के 7 मिनट हो रहे हैं और अभी हम लोग पहुंच रहे हैं एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो कि काफ़ी खूबसूरत है, लामडिंग से अगरतला सेक्शन की आन बान शान, पहाड़ों से लहर। जी हाँ, न्यू हाफलॉन्ग जंक्शन, सॉरी जंक्शन नहीं है, मतलब न्यू हाफलॉन्ग स्टेशन। नर्वसनेस में यार मैं भूल ही जाता हूँ काफ़ी चीज़ें। लगभग 2 घंटे के करीब ये लेट है और यहाँ पे काफ़ी वैरायटी है खाने पीने की, आपको पोहा मतलब चने वगैरह और स्वीट्स भी अलग अलग तरह के मिलेंगे। हम लोग देख रहे कि हमको चाय मिल जाए यहाँ से कहीं ना कहीं, क्योंकि पेंट्री की चाय हर बार पीते ना, तो स्टेशन से कुछ ना कुछ खोजने की करता हूँ मैं चाय वगैरह। अभी खूबसूरती तो भाई रूट की क्या कमाल है, मतलब थोड़ा थोड़ा वैष्णो देवी टाइप ही लग रहा है मेरे को रेलवे स्टेशन। बस फ़र्क ये है वैष्णो देवी का ना, वो वहाँ पे ना थोड़ा मेरे को शायद जहाँ तक मुझे मैंने देखा है वहाँ पे एक साइड ही पहाड़ है, ये पूरा टाइम पहाड़ों से ही घिरा हुआ है। भीमा हसदेव डिस्ट्रिक्ट में आता है ये आसाम के। यहाँ पे बाकी लच्छा पराठा सब्जी वगैरह मतलब खाने पीने की काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। लेकिन ये रेलवे स्टेशन जितना खूबसूरत है ना, एक टाइम था पिछले साल की बात करो जब इस स्टेशन पे काफ़ी भयानक बाढ़ आ गई थी, पूरा स्टेशन पानी में डूब चुका था। मैंने पिछले साल भी इसी प्लान भी किया था इसी में जाने का, लेकिन वो मेरा बाढ़ के कारण कैंसिल हो गया था। ये ट्रेन भी 1 महीने या 2 महीने करीब कैंसिल रही थी उस टाइम पे। वैसे गाड़ी यहाँ पे ज़्यादा रुकी नहीं, लेकिन मैं चाहता था यार गाड़ी यहाँ पे रुकी रहे, और मतलब मन लगा रहा था यार मेरा यहाँ पे, मैं तो चाहता था गाड़ी रुके यहाँ पे। उल्टा पिछले स्टेशन पे जहाँ पे रुकी थी ना 2 क्रॉसिंग करवा रही, उल्टा एक यहाँ से करवा देते। अगर मैं रोज़ भी आता रहूँगा तब भी मन नहीं भरेगा मेरा, जिस हिसाब से व्यू आ रहा है ना मन करता बस यहीं बस जाएं। ट्रक
बादल और पहाड़ दोनों एक साथ टच हो गए ना। जगह टी कल्टीवेशन से घिरी हुई है, पूरी तरफ चाय की खेती आगे आपको दी गई। ओ भाई पूरा आगे तीखी चढ़ाई है, पूरी देखना पूरी तीखी चढ़ाई है आगे से। भाई 6:07 हो रहे हैं, अभी हम लोग बदरपुर के आउटर पे आए हैं। ये कोयम्बटूर से सिलचर जाने वाली गाड़ी अभी यहाँ से डिपार्चर ले रही है, ये लाइन सिलचर को निकल जाती है, ये हमारे आगे आगे ही चलती थी। तो जी 1:22 की देरी से ही अब गाड़ी पहुँची 6:15 के आसपास बदरपुर जंक्शन। दो 2675 किलोमीटर कवर किया हमने अब तक, लगभग कह लो 53 hours and 45 minutes, यानी 54 घंटे कह लो आप अब तक हुए हमको बदरपुर तक। और मान के चलो 2 nights हमने स्पेंड किए हैं और तीसरा डे हमारा हो रहा है। बदरपुर से भी गाड़ी हमारी कह लो काफ़ी खाली हुई है यार, बाकी यहाँ पे टाइम लगेगा अभी, क्योंकि जो बैंकर लोकोमोटिव जो लगे थे ना लामडिंग से, अब यहाँ पे डिटैच होंगे क्योंकि अब तो रास्ता साफ ही है हमारा। हम लोग मतलब करीमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही आ चुके हैं, बदरपुर मतलब उसी डिस्ट्रिक्ट में आता है, और इसको गेटवे टू बराक वैली भी बोला जाता है क्योंकि बराक नदी के तो आसपास है। और एक स्पॉट बहुत फेमस हुआ है मैंने, जी हाँ वो भी बराक नदी के आसपास है। 8:05 हो रहे हैं, धर्मानगर पे आके अब खड़ी हुई है। वेलकम टू त्रिपुरा, फर्स्ट हॉल्ट त्रिपुरा में, और अब हम आसाम छोड़ चुके हैं, मतलब वो तो निकल ही गया, मैं तो आराम से बैठा हुआ था क्योंकि वैसे ही बहुत लंबा हो रहा है, मैंने कहा रात में कम ही कवर करूँगा, उम्मीद करते हैं कि टाइम कवर कर जाए। वैसे भी रात में ना मेरा कोई होटल बुक है ना कुछ बुक है, अगर ज़्यादा लेट पहुँची तो रात पूरी मेरे को लगता है वेटिंग रूम में गुजारनी पड़ेगी, नहीं चाहता हूँ कि टाइम से पहुँच जाए थोड़ा बहुत कवर करके। धर्मानगर में भी काफ़ी लोग उतरे मैंने देखा है, अब तक धीरे धीरे ट्रेन खाली हो गई यार। तो चलो भाई रात के लगभग 8:30 से ऊपर टाइम होगा, मैं वैसे अपना डाटा ट्रांसफ़र कर रहा था, ये मोबाइल मेरा भाई तार से अटैच हुआ पड़ा है अभी। बाकी अभी बिरयानी ऑर्डर उनको की थी, वैसे बिरयानी दे के गए हैं फर्स्ट टाइम, अब जाकर के मतलब जर्नी ख़त्म होने में भी 2 घंटे बचे हैं और अब जाकर के इन लोगों ने बिरयानी दिया, मतलब इनके पास बिरयानी अब तक अवेलेबल थी ही नहीं अब तक पूरी जर्नी में, मिल तो गई है लेकिन ये ठंड ज़्यादा गर्म नहीं है। तो चलो जी यही है आज के दिन का और इस ट्रेन में मेरा आखिरी मील, वेज बिरयानी बोली थी, आलू सोयाबीन की सब्जी दी है इन लोगों ने, और भाई बस नीचे तो पुलाव टाइप चावल ही हैं, वैसे बिरयानी बोलते हम लोग तो इसको पुलाव टाइप ही बोलते एक तरह से, ऊपर से ये लोग सब्जी दे देते हैं, ठीक ठाक निकल जाएगा। चलो जो भी है मेरे को कुछ तो मिला, तो मैं तो जब ऑर्डर लेने नहीं आए थे मैं तो उम्मीद छोड़ चुका था कि भैया रात में भी कुछ मिलेगा, इसमें यही मील है हम दोनों का आज लास्ट का। अब बासा आने में भी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, मेरे को लगता है टाइम पर मुझे लगता पहुँच जाएगी। लगभग 9:20 हो रहे हैं अभी, तो अम्बास्ता पे आके खड़ी है, सेकंड लास्ट स्टॉप है हमारा, क्योंकि हमारी पैकिंग ही चल रही थी अभी, बस सामान वगैरह सब लगा रहा था। अब जो इसका फेयर का हिसाब किताब है देखो, 945 रुपये इसका लगेगा अगरतला, मतलब फिरोजपुर से अगरतला तक स्लीपर में, 3rd AC के 6 कोच है उसमें, उसका पड़ेगा 2445 रुपये, और अगर आप 2nd AC में जिसमें मैं गया हूँ उसमें सफ़र करोगे तो इसका पड़ेगा आपको 3585 रुपये। 1st AC का एक लौता एक कोच है उसका आपको मिला जुलू के पड़ेगा 6115 रुपये। काउंटर से लोगे तो इतना पड़ेगा, ऑनलाइन करवाते हो तो थोड़ा बहुत मतलब कन्वीनियंट फेयर लगा लोगों के 30-40 रुपये, वो जिस हिसाब से आप करते हो उतना पड़ जाएगा। अगर अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो अवेलेबिलिटी का क्या सीन है इसका, अगर देखो स्लीपर में करवानी हो तो पहले बता दो, महीने से पहले करवा लो, अगर ज़्यादा पहले करवा सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मिलेगी नहीं, इसमें वीकली गाड़ी है यार। और AC में मतलब 3rd AC में या 2nd AC का एक जैसे इसमें देखो 2 हफ्ता पहले करवाओगे मिल सकती है, फेस्टिवल को छोड़ के नॉर्मल डेज में, लेकिन अगर आपको अपनी परफेक्ट मतलब प्रेफर सीट चाहिए जैसे लोअर चाहिए साइड लोअर ऐसे, तो उसमें लिए आपको और पहले करवाना पड़ेगा। 1st AC का 1-2 हफ्ते पहले कई बार मिल जाती है कई बार नहीं मिलती कुछ पता नहीं है, तो ये सोच समझ के बुक करवाना। एक एडवाइस और दे रहा हूँ,
दिल्ली से अगर तला आ रहे हो, राजधानी का बजट नहीं है तो ही इसमें आना, क्योंकि ये लेट बहुत हो रही है। आज तो मेरी किस्मत है लेट नहीं हुई, जो पिछली बार जब मैं आया था ये रात को 2:30 बजे अगर तला पहुँची थी मेरे को, तो अटेंडेंट ने उठाया था, भाई आपका अगर तला आ चुका है। सच में बता रहा हूँ भाई, बहुत लेट होती है आज, पता नहीं कैसे लगभग टाइम पर, अभी तो 1 घंटा ही डिले है। तो भैया 10:43, 10:43 हो रहे हैं और 2 मिनट पहले ही अपनी डेस्टिनेशन अगरतला पे आ चुकी है भाई। 2,901 किलोमीटर, 2 nights 3 days, और आज की नाइट तो मतलब थोड़ी बहुत बीच में ही आ गई है, समय से ही मतलब कुछ 45 का टाइम था। और कवर बहुत अच्छा किया इसने, अम्बासा 1 घंटा डिले पहुंची थी, अम्बासा से यहाँ एक पीछे 1-2 स्टेशन पहले इसको थोड़ी देर के लिए रोका था क्रॉसिंग के लिए, फिर भी मतलब टाइम, क्योंकि लास्ट सेकेंड लास्ट और लास्ट स्टेशन के बीच में स्लैग ही बहुत दिया होता है यार। यहाँ तक अगर आप देख रहे थे ना वीडियो, अगर आपने पहले तो पार्ट भी पूरे देखे, तो थैंक यू वेरी मच मेरे इस सफ़र में हम सफ़र बनने के लिए। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरी सीरीज त्रिपुरा सुंदरी की पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मुझे पता मोस्टली लोगों का होगा कि ये थर्ड पार्ट ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस पार्ट में जो सेक्शन आया था ना वो बहुत ही बढ़िया था। यहाँ अब मिलेंगे नेक्स्ट जर्नी में, वैसे भी अभी सुबह का मैं जब रात का अरेंजमेंट करता हूँ कुछ ना कुछ, सुबह में यहाँ से 11 बजे मेरी ट्रेन है, मिलेंगे उसी जर्नी में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।